हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे चॉकलेट आटा बर्फी। चॉकलेट आटा बर्फी में चीनी की जगह गुड़ के साथ बनाऊंगी। गुड़ खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चॉकलेट आटा बर्फी बनाने के लिए एक कप गेहूं का आटा लेंगे, आधा कप पिघला हुआ देसी घी लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। आटे को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी आटा बहुत अच्छा भुनेगा। आटा जैसे जैसे भुनता जाएगा घी रिलीज करता जाएगा और चलाने में हल्का होता जाएगा। आटे का कलर चेंज होने लग गया है और आटे में से भुनने की अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। ये देखिए, आटे का लाइट ब्राउन सा कलर हो गया है। आटा हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए अखरोट डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसमें बादाम चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें चॉकलेट ऐड करूँगी। चॉकलेट और अखरोट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। 1 टीस्पून इसमें देसी घी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3/4 कप शक्कर ली है, जो गुड़ का पाउडर होता है। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ को भी ग्रेट करके ले सकते हैं, वो भी 3/4 कप ही लेना है। ये इसमें डालेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ को गैस बंद करने के बाद ही ऐड करना है। जिस भी ट्रे में आपको बर्फी सेट करनी है उसमें देसी घी लगा के पहले से ही रख लें। बर्फी का मिक्सचर बनके तैयार है, अब इसको ट्रे में सेट करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास बर्फी सेट करने की ट्रे है। इसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है और ये मैंने इसमें क्लियर फॉइल भी लगाई है। इससे बर्फी बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाती है। अब मिक्सचर को इसमें शिफ्ट करेंगे। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे। अब इसको अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। मैं इसके ऊपर बारीक चॉप किए हुए पिस्ते डाल रही हूँ और थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। इनको भी अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। बर्फी में हम कट के निशान लगा देंगे। अब इसको 1.5 से 2 घंटा सेट होने के लिए छोड़ देंगे। चॉकलेट आटा बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसको अनमोल्ड करेंगे। इसको आप फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। फ्रिज में बहुत कम समय में अच्छी तरह से सेट हो जाती है। जो हमने कट लगाए थे उन्हीं को एक बार फिर से कट कर देंगे। बहुत ही अच्छी बर्फी सेट हुई है। लीजिए, बनके तैयार है हमारी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट आटा बर्फी, जो चॉकलेट का मज़ा भी देगी और आटा बर्फी का भी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।